एक पैसेंजर फ्लाइट में ही एयर होस्टेस को पटाता है और वो दोनों फ्लाइट के अंदर ही गपागप करते हैं। फिर आगे क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एयरपोर्ट पर अप्रैल नाम की एक बहुत ही खूबसूरत एयर होस्टेस को देखते हैं। अप्रैल एयरपोर्ट पर एक जगह पर रुककर हेडफोन्स लगाकर गाने सुनती है। तभी वहां पर उसके बाजू में मैनुअल नाम का एक शख्स आता है। मैनुअल भी हेडफोन्स लगाकर गाने सुनने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि अप्रैल को सॉन्ग्स प्ले करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जिसके बाद मैनुअल उसकी हेल्प करता है। फिर अप्रैल उसे छोटी सी स्माइल देती है और वहाँ से चली जाती है। अब मैनुअल भी अपनी फ्लाइट बोर्ड करने के लिए चला जाता है, लेकिन फ्लाइट के अंदर उनकी किस्मत उन दोनों को एक बार फिर से मिलाती है, क्योंकि मैनुअल जिस फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा था, अप्रैल उसी फ्लाइट में एयर होस्टेस है। अब मैनुअल अपनी सीट पर बैठता है। फिर थोड़ी देर बाद अप्रैल एक छोटे बच्चे को लेकर मैनुअल के पास आती है। अप्रैल उस बच्चे को मैनुअल की बाजू वाली सीट पर बिठाती है और मैनुअल से कहती है कि ये बच्चा अकेला ट्रैवल कर रहा है और इसके पेरेंट्स ने इसकी जिम्मेदारी मुझ पे दी है, सो तुम भी इस बच्चे का ध्यान रखना। अब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, जिसके थोड़ी देर बाद मैनुअल अप्रैल के पास जाता है। अप्रैल मैनुअल से पूछती है कि तुम अब तक जागे हो। मैनुअल कहता है कि मुझे प्लेन में नींद नहीं आती। अप्रैल मैनुअल को उसके बारे में और पूछती है। मैनुअल बताता है कि मैं वाइन बनाने का काम करता हूँ और इसी सिलसिले में ट्रैवल कर रहा हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि एक पैसेंजर एयर होस्टेस को दीवार से लगाकर उसके होंठ चूम रहा है। उन्हें देखकर अप्रैल और मैनुअल मुस्कुराते हैं। तभी फ्लाइट एक झटका देती है तो मैनुअल अप्रैल से पूछता है कि क्या यह नॉर्मल है, जिस पर अप्रैल कहती है कि तुम डरो मत, यह नॉर्मल है। जिसके बाद मैनुअल अप्रैल से इनडायरेक्टली पूछता है कि अगर हम दोनों यहाँ पर किस करें तो क्या ये भी नॉर्मल होगा। अप्रैल इसका जवाब दे पाती उससे पहले ही वो एयर होस्टेस जिसके होंठों को वो पैसेंजर चूम रहा था वो आ जाती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी मैनुअल को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो एयर होस्टेस पैसेंजर के बीच में आती है, तब मैनुअल फिर से अप्रैल के पास चला जाता है। मैनुअल को देखकर अप्रैल कहती है कि तुम्हें यहाँ पर बार बार नहीं आना चाहिए, लेकिन मैनुअल उसे उसके टैटू के बारे में पूछता है, जिस पर अप्रैल कहती है कि ये मेरे एक्स की निशानी है। अप्रैल अपनी स्कर्ट थोड़ी सी नीचे करती है और अपने थाइस पर बने हुए टैटूज भी मैनुअल को बताती है। मैनुअल उसके थाइस को टच करने लगता है, लेकिन अप्रैल फौरन अपनी स्कर्ट ऊपर उठा लेती है। फिर फ्लाइट और एक झटका देती है। मैनुअल थोड़ा लड़खड़ाता है, लेकिन अप्रैल उसे संभालती है, जिसके बाद अप्रैल और मैनुअल एक दूसरे के होंठों से होंठ मिलाते हैं और पैशनेट होकर किस करते हैं। मैनुअल उसे फ्लाइट के बाद डिनर के लिए पूछता है। अप्रैल भी मान जाती है। फिर फ्लाइट के लैंड होने के बाद अप्रैल मैनुअल का वेट करती है, लेकिन कस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से मैनुअल और बाकी पैसेंजर्स को छोड़ा नहीं जाता, उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोका जाता है। वहाँ अप्रैल मैनुअल का बहुत देर तक इंतजार करती है। उन दोनों के पास एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं था, इसलिए वो दोनों फिर कभी नहीं मिल पाते। फिर 7 साल बाद अप्रैल की शादी ब्रूनो नाम के एक रॉक स्टार से हुई है। उन दोनों का एक छोटा सा बच्चा भी है। वहाँ मैनुअल ने भी लॉरा नाम की एक औरत से शादी की है और उसे एक बेटी भी है। ब्रूनो एक रॉक स्टार है और अपने शोज वगैरह के लिए ज्यादातर घर से बाहर ही रहता है। वहीं अप्रैल भी एक एयर होस्टेस, इसलिए वो दोनों एक साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। अप्रैल को कोलंबिया की फ्लाइट पकड़नी है और वहाँ मैनुअल भी कोलंबिया के लिए निकल जाता है। वहाँ वो दोनों एक ही होटल में रुकते हैं। काउंटर पर दोनों एक साथ होते हैं। अप्रैल पहले मैनुअल को देखती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। मगर मैनुअल अप्रैल के पास आता है और अप्रैल से पूछता है कि क्या तुम मुझे भूल गई, जिस पे अप्रैल कहती है कि बिल्कुल नहीं। मैनुअल कहता है कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। साथ ही वो उसे लंच के लिए भी पूछता है। अप्रैल उसे हाँ कर देती है। वो दोनों उसी होटल के टॉप पर लंच के लिए मिलते हैं। वहाँ अप्रैल मैनुअल को बताती है कि मैंने उस दिन तुम्हारा 5 घंटे तक इंतजार किया, जिस पर मैनुअल उसे कहता है कि कस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से हमें वहाँ पर ही रोका गया था। अब अप्रैल अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। फिर वो अपने फैमिली की फोटोज मैनुअल को बताती है। मैनुअल भी उसे अपनी बीवी और बेटी की फोटो बताता है, जिस पर अप्रैल कहती है कि आखिर तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल ही गया। मैनुअल कहता है कि ये सच्चा प्यार हम दोनों के बीच भी हो सकता था, लेकिन हमारी किस्मत में कुछ और ही था। मैनुअल उसे बताता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अप्रैल कहती है कि सिर्फ एक किस से तुम्हें प्यार हो गया, और ये कहकर अप्रैल वहाँ से चली जाती है। अब रात
रात में अप्रैल के बॉस की पार्टी होती है। मैनुअल अप्रैल को कांच के पीछे से देखता है। अप्रैल मैनुअल को अपने साथ डांस करने के लिए पूछती है। मैनुअल भी हाँ करता है और फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर डांस करने के बाद दोनों एक शांत जगह पर जाते हैं जहाँ अप्रैल मैनुअल के गालों पर किस करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मैनुअल उसे पकड़ता है और उसके होंठों को चूमने लगता है। यहाँ पर दोनों पैशनेट होकर किस करते हैं, लेकिन अप्रैल किसी तरह खुद पर काबू करती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन मैनुअल और अप्रैल साथ में घूमने के लिए जाते हैं। काफी देर घूमने के बाद दोनों एक जगह पर रुकते हैं जहाँ अप्रैल मैनुअल को पैशनेट होकर किस करती है। फिर वहाँ पर बारिश भी होने लगती है जिससे वो दोनों और भी पैशनेट होकर किस करते हैं। वो दोनों पूरी तरह एक दूसरे के अंदर खो जाते हैं। इसीलिए होटल में वापस आने के बाद भी वो दोनों बिस्तर पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। फिर मैनुअल को उसकी बीवी का कॉल आता है। मैनुअल अपनी बीवी से झूठ कहता है कि वो एक मीटिंग में है। ये सुनकर अप्रैल भी थोड़ी सैड हो जाती है क्योंकि अचानक उसे ये एहसास होता है कि वो दोनों अपने पार्टनर के साथ चीट कर रहे हैं। मैनुअल अप्रैल से पूछता है कि तुम उदास क्यों हो, मेरी बीवी का कॉल आया इसलिए तुम उदास हो। अप्रैल उसे बताती है वो इसलिए उदास है क्योंकि वो दोनों अपने पार्टनर्स को चीट कर रहे हैं और उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। ये कहकर वो मैनुअल के रूम से चली जाती है। फिर कई दिन बीत जाते हैं। मैनुअल का अपने काम में दिल नहीं लगता। वो बार बार फेसबुक पर अप्रैल की फोटो देखता है। आखिर में उससे रहा नहीं जाता और वो अप्रैल को मिलने के लिए मैसेज करता है, लेकिन अप्रैल उससे मना कर देती है जिससे मैनुअल दुखी हो जाता है। अब अगले सीन में हम मैनुअल की बीवी को देखते हैं जो कि ब्रूनो का फोटो शूट कर रही थी। फिर वहाँ पर मैनुअल भी आ जाता है। अब ब्रूनो और लॉरा शूट में बिजी हो जाते हैं और मैनुअल अप्रैल की बैक साइड पर हाथ घुमाने लगता है और उसे सेड्यूस करने लगता है। मैनुअल अप्रैल को होटल के रूम में आने के लिए कहता है, लेकिन अप्रैल गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाद में अप्रैल से रहा नहीं जाता और वो खुद मैनुअल के रूम में जाती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अप्रैल मैनुअल में इतना खो जाती है कि वो अपने बेटे को स्कूल से पिक करना भूल जाती है। उसे ब्रूनो जाकर पिक करता है। अब अप्रैल को एहसास होने लगता है कि वो अपनी फिजिकल डिजायर्स की वजह से अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही है। वहाँ मैनुअल की वाइफ मैनुअल को उसकी और अप्रैल की एक फोटो बताती है क्योंकि उस फोटो की वजह से लॉरा समझ गई थी कि अप्रैल और मैनुअल के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर है। मैनुअल लॉरा से कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता था। वहाँ अप्रैल भी अपने गिल्ट को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाती और वो भी ब्रूनो को सब कुछ सच बता देती है। ब्रूनो अप्रैल पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। अप्रैल कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। ब्रूनो कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अप्रैल मैनुअल को मैसेज करती है और मैनुअल उसे लेने के लिए आ जाता है। वो दोनों टैक्सी में एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में मैनुअल टैक्सी रोकता है और टैक्सी से बाहर चला जाता है। मैनुअल काफी परेशान था, जिसे देखकर अप्रैल समझ जाती है कि मैनुअल अपनी फैमिली को छोड़कर उसके पास नहीं आना चाहता। अप्रैल उसे टैक्सी के अंदर से देख रही होती है। फिर अप्रैल उसे मैसेज करती है कि वो आज उसके साथ नहीं आ सकती। मैनुअल अप्रैल का टेक्स्ट पढ़ता है और काफी उदास होता है। अप्रैल अब टैक्सी घुमाकर घर वापस जाने लगती है। मैनुअल भी उसे नहीं रोकता। वो दोनों ये जान गए थे कि वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते और फिल्म यहाँ पर एंड हो जाती है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।